एवरीवन, होप यू हैव एन अमेजिंग डे। दिस इज सीएसपी एंड यू आर वाचिंग वीकेंड जोन। सो गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोग बेनेली को जो गंडेवी स्टार रेसिंग गराज वसीम के यहाँ पे छोड़ने आए थे, क्योंकि हमें लगवाने थे उसके अंदर साइड मिरर्स और एग्जॉस्ट भी चेंज करवाना था। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हम मंडे को आए थे, मंडे को बाइक यहाँ पे छोड़ के गए और ये नेक्स्ट मंडे है, तो आज हम लोग बाइक की डिलीवरी वापस लेने के लिए आए हैं। और जो एग्जॉस्ट है वो हम लोग ने चूज़ कर लिया है, मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊँगा ये चीज़। और साइड मिरर्स जो थे, साइड मिरर्स बहुत अच्छे लगाए थे, लेकिन उसका जो लुक है, उसका जो विजिबिलिटी है वो हमको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कम विजिबिलिटी आ रही थी। तो हम लोग ने वो साइड मिरर्स वापस निकलवा लिए हैं। और जो बेनेली के ओरिजिनल साइड मिरर्स आते हैं, तो वही मिरर्स हम लोग ने यहाँ से ऑर्डर किए हुए हैं। तो वसीम ने बोला है कि 3-4 दिन के अंदर आपको जो साइड मिरर्स है वो वापस से मिल जाएंगे। गाइज़, ये है स्टोर वसीम की स्टार रेसिंग गराज, और यहाँ पर कुछ हेलमेट का कलेक्शन है उसका। तो आप देख सकते हैं कौन से हेलमेट्स है यहाँ पर। SM के हैं, स्टड्स है, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे MT मिल जाएगा, एक्सॉर मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत सारे हेलमेट है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको अलाइन किया हुआ है। ये LS2 के हेलमेट्स, यहाँ पे चेन लूप्स और वो सब पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बुलेट खड़ी है, एक हार्ली खड़ी है सेल के लिए, एक और ये भी हार्ली है। और ER6N जो कि आपने लास्ट वीडियो में हमारे देखा था। सो आइए चलते हैं वसीम भाई के पास और जानते हैं उनके पास जो बाइक्स है क्या रेट है और कौन सी बाइक्स पे डील करते हैं उन लोग। हेलो वसीम भाई। हेलो। सो वसीम भाई, आपके पास अभी जो बाइक्स है आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। हमारे पास कावासाकी 650 या 6N है, 2015 मॉडल। वो आपको पड़ जाएगी 2,90,000 रुपये में। अगर आपके पास कैश है तो सही है, अगर नहीं भी है तो फाइनेंस भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। और दूसरा आपके पास पड़ा है सुपर लो पड़ा है IR 883, फिर चलो आयरन 883 है, फिर और भी काफ़ी बाइक्स अभी अपकमिंग है, आने वाली है। जो भी चाहिए आपको, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे आपकी पूरी हो जाएगी। और फाइनेंस भी आपका हो जाएगा, और एसेसरीज, स्पेयर पार्ट वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा। तो गुजरात में ही सिर्फ फाइनेंस का है कि फिर गुजरात के बाहर का भी फाइनेंस? फिलहाल तो गुजरात में ही है फाइनेंस वाला, लेकिन स्पेयर पार्ट्स चाहिए, हेलमेट चाहिए या कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है वो ऑल ओवर अपने इंडिया शिपिंग करते हैं। ओके जी। तो मोस्ट ऑफ पीपल्स, आपको भी पता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग की डिमांड रहती है बेनेली 600i। तो क्या बोलना चाहेंगे, बेनेली 600i अपने पास अवेलेबल होती है? बेनेली 600 शायद नेक्स्ट वीक में आने वाली है, रेड कलर में आने वाली है। वो भी तकरीबन कुछ 2016 का मॉडल है अप्रॉक्सली, वो 4 लाख के आसपास कुछ पड़ जाएगी। अगर आपके पास डाउन पेमेंट कम भी हो फिर भी हम लोग फाइनेंस करके देंगे। मतलब मैं छोटा सा बजट लेके आइए, सुपर बाइक लेके जाइए, वो तो हो जाएगा आपका काम। इवन गाइज, सिर्फ बाइक का सेल ही नहीं करते वसीम भाई इसके साथ में जो सर्विस है बाइक्स की वो भी करते हैं। जी जी। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे एक हायाबुसा खड़ी थी, लेकिन उस टाइम पे हम लोग ने वीडियो नहीं बनाया था। सो वसीम भाई, आप कौन सी बाइक बनाते हैं, यहाँ पे सर्विस करते हैं? बाइक का भी ऐसा है कि लोकल बाइक हो, इम्पोर्टेड हो, या फिर अपने जो स्पोर्ट्स क्रूजर हो, कोई भी आप लेके आओ, आपका बाइक 100% अच्छे से एकदम सर्विस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और बजट में होगा और मार्केट से कम रेट में करके देंगे। ओके, डेफिनेटली। तो अभी एक प्रोजेक्ट वसीम भाई ने हाथ में लिया हुआ है और वो प्रोजेक्ट के बारे में हम जानेंगे उनसे थोड़ा बहुत, क्यों इतना डिटेल में तो बताएंगे नहीं हम, क्योंकि उनका सीक्रेट है, लेकिन वो थोड़ा बहुत हमें डिटेल बताएंगे अभी। तो ये है इनका प्रोजेक्ट, आप गैस कीजिए ये कौन सी बाइक है और इसका क्या बनने वाला है, क्योंकि जब इनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम वापस एक बार यहाँ पे आएंगे और इसके रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कस्टमर ने उनको कुछ पर्टिकुलर बजट दिया हुआ था और उस बजट के अंदर इस बाइक को उनको ख़त्म करना है। सो गाइस ये देखिए उनका स्टोर, सब तरीके के एग्जॉस्ट मिल जाएंगे। ओजी चाहिए, ओजी फर्स्ट कॉपी चाहिए तो फर्स्ट कॉपी भी मिल जाएंगे। ये वाला एग्जॉस्ट हमने ट्राई किया था हमारी बाइक में योशिमुरा, और ये ऐसे प्रोजेक्ट कर लो। ये भी आया ऑस्टिन रेसिंग का। ये अपना फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट है ऑस्टिन रेसिंग का। आप किसी भी सुपर बाइक में डाल दो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एकदम अच्छी क्वालिटी में। अगर आपको सेम सेगमेंट में ओरिजिनल वाला चाहिए वो भी मिल जाएगा, और इसमें मेरे पास 3 से 4 अलग अलग मॉडल्स हैं। आप हायाबूसा में डाल सकते हो, Z800 में डालो, जो Z900 में डालो, 650 सेगमेंट में डालो, या 150 सेगमेंट में डालो, कोई भी बाइक में लग जाएगा आराम से, और बड़ी आवाज़ भी देगा। अगर आपको चाहिए कि इसमें अभी DB किलर का एक इश्यू है कि DB किलर नहीं आता, आप देख सकते हो, ठीक है, तो वो भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। इसके लिए एक्स्ट्रा DB किलर आएगा जो आपका बैंड पाइप और एग्जॉस्ट के बीच में लगेगा, तो वो भी इश्यू नहीं, आप अंदर विद DB किलर भी आप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ वसीम भाई ने हमको बताई बैंड पाइप के रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सब लोग जो सिंगल सिलेंडर बाइक्स है उसके अंदर भी एग्जॉस्ट चेंज करते हैं, जो कि उस बाइक के इंजन को भी हार्म करते हैं। तो जिस तरीके से उन लोग चेंज करते हैं वो सही तरीका नहीं है, तो उसके लिए भी वसीम भाई ने हमें कुछ बताया हुआ है, तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। बताइए ना वसीम भाई। एग्जॉस्ट में अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में वेल्डर से जाओ, कोई भी एग्जॉस्ट ले लो, पाइप आपका क्या हो, जो एग्जॉस्ट का बैंड पाइप हो वो कंपनी वाला कट करके वेल्ड करके वो लोग काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो राइट वे नहीं है। हर बाइक के लिए पर्टिकुलर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट पाइप आता है, मिड पाइप आता है, फुल सिस्टम उसका पाइप रहता है, उसमें भी अच्छी क्वालिटी आती है, SS आती है, टाइटेनियम आती है, तो इस हिसाब से उसके रिलेटेड आप वो बैंड पाइप पूरा सिस्टम डालो, तो क्या आपके बाइक पे कोई भी इंजन पे बैक प्रेशर या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप वो वेल्डिंग ऐसे वैसे करते हो उसमें बैक प्रेशर रहता है, वाल बैंड होने का चांसेस रहता है, तो क्या आपके इंजन की लाइफ सही रहेगी अगर आप अच्छी क्वालिटी का एग्जॉस्ट या वो फुल सिस्टम बैंड पाइप डालते हो तो। ओके सो गाइज यही जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे आप तक पहुँचानी थी एक्चुअली, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने भी पहले पागलपंती में हमारी जो जिक्सर थी उसके अंदर हम लोग ने एग्जॉस्ट चेंज किया हुआ था उसी तरीके से, तो आप भी ये बात अभी माइंड में रखिए। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आपके पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टायर्स भी रखे हुए बाइक्स के, बड़ी बाइक्स के भी टायर मिल जाएंगे। अपोलो H1 टायर है ये, और इवन यही नहीं अंदर के साइड पे भी यहाँ पे टायर्स रखे हुए बहुत सारे, और ये बुसा का टायर है, ये सब नए हैं, और वहाँ पे पुराना टायर था। अच्छा बुसा, ये देखिए मिशेलिन पायलट, ये पूरा वेजस्टाइन कंपनी का टायर है, हायाबुसा का, Z800 का। फिर चलो अपने पास रोड 5 भी पड़ा है, उससे बेटर फिर अपोलो H1 भी है। मिशलिन में नॉर्मल मोपेड कोई हो अगर सस्ते बाइक उसका भी टायर रखते हैं, और सुपर बाइक का भी, हार्ले का भी आपको मिल जाएगा। टायर्स में ऐसा है आपको मार्केट से 110% में आपको गारंटी देता हूँ 10% डिस्काउंट में आपको टायर दूंगा, जो मार्केट में आपको कहीं पे भी ये रेट में टायर्स अवेलेबल नहीं मिलेगा, जो अपने पास अवेलेबल पूरा स्टॉक है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक बैंड पाइप के साथ में एग्जॉस्ट पड़ा है, कौन सी बाइक का है ये कस्टम मेड है, ये है बैंड पाइप है, अंडर सीट एग्जॉस्ट बोलते हैं इसको। ये है KTM 390 का, सो हम ड्यूक 390, हाँ KTM 390 RC मॉडल का है। अच्छा। जो रेसिंग के लिए यूज़ होता है वो अंडर सीट में ऐसे आता है, तो ये हमने खुद ने डिज़ाइन किया था ये पूरा बैंड पाइप, जो कि मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है बिकॉज बहुत लाउड है। ओके। उससे बेटर है कि आप कोई DB किलर वाला कोई अच्छा सा एग्जॉस्ट डालें, तो थोड़ा नॉइज़ पॉल्यूशन भी कम रहे और आपको भी राइडिंग करने में मज़ा आए। जहाँ पे इंजन ऑयल्स रखे हुए 10W50, 20W50, मोटूल। From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.